सर ये इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी का ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी हमारी 1983 में बनी थी और उसके बाद से अब तक इसकी 20 कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, 20वीं कॉन्फ्रेंस हमारी 19 हो चुकी हैं। तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में आज तक इस लेवल पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, हमेशा मेट्रोज में कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो अब हमारी आर्थरोस्कोपी एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश मैंने फाउंड की थी 2017 में, आज हमारे उसमें जो है वो 150 से ज़्यादा के लोग मेंबर्स हैं हमारे। तो हम लोग ने बिड किया इस कॉन्फ्रेंस को लेने के लिए, काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोग इसको ला सके लखनऊ में, और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही लोगों में उत्साह है और जितना हम लोग ने सोचा था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग 30 सर्जरी यहाँ पे लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो हमारा कन्वेंशन सेंटर के 3 हॉल हैं उसके अंदर, घुटने की, कंधे की, हिप जॉइंट की, एंकल की, एल्बो की, रिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी में जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको दूरबीन विधि के द्वारा ठीक किया जाता है। तो आज यूँ समझिए कि देश भर के जितने आप सोच सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, और विदेशों से मतलब हमारे ऑस्ट्रेलिया के कई सारे सर्जन, इजिप्ट के कई सारे सर्जन, फ्रांस के कई सारे सर्जन, सिंगापुर के कई सारे सर्जन, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और विचारों का आदान प्रदान, सर्जरीज का डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर्स, क्लासेस सब चल रहा है। तो हमारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि KGMU ने इस काम को किया है और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारा और स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट मिलकर इसको कर रहे हैं। कल हम लोग ने कैडेवरिक वर्कशॉप करी थी जिसमें 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इन्हीं इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टीज़ ने कैंडिडेट बॉडीज़ के ऊपर काम करना सिखाया। सेम ऑपरेशन, सेम बिल्कुल जैसे ऑपरेशन में होता है, बस मरीज की जगह पे डेड बॉडी होती है, वैसा हम लोग क्रिएट करते हैं चीज़ों को। तो बिना मरीजों को खतरा किए हुए आप हिम्मत के साथ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट हमारा KGMU का प्रोवाइड कर रहा है, उत्तर भारत में कहीं नहीं है। तो आज हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है, लखनऊ वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, KGMU के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस चीज़ को कर सकें यहाँ पर। और उम्मीद है आगे भी ऐसे आयोजन यहाँ होते रहेंगे, एक बार इस तरह का एक लैंडमार्क क्रिएट हो जाता है तो चीज़ें आगे चलती रहती हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि लगभग ये 20वां सम्मेलन के आसपास का है, तो आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे, इसके अगर हम ध्येय की बात करें कि फ्यूचर में क्या चीज़ें बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है इतना बड़े स्तर पर ये आयोजन करने का? इसका मेन मकसद ये है कि जो सर्जन हमारे जो दूर दराज के इलाकों में हैं जहाँ पे आर्थरोस्कोपी अभी नहीं होती है, आर्थरोस्कोपी स्पेशलाइज सर्जरी है, की होल सर्जरी है, दूरबीन से जाकर के जोड़ों का इलाज किया जाता है, एक्सपर्टाइज चाहिए होती है। तो उन चीज़ों की पहले भाई जो नहीं करता उसमें अवेयरनेस फैले, जो कम करता है वो बेहतर सीख सके, जो अच्छा करता है वो लोगों को सिखा सके। तो हमारा ध्येय है कि हमारे खिलाड़ियों को और आम जनता को भी जो इस तरह की चोटों का सामना करना पड़ता है, अगर वो निगलेक्ट में जाती हैं, सर्जन को पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो शुरुआत में भाई वो रेफ़र भी कर सकता है कि KGMU में बहुत सस्ता बहुत अच्छा इलाज होता है, दे शुड कम हियर। उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह के हैं कुछ लोग हमारे यहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस अवेयरनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोगों को सीखना है, सर्जन्स को, उनको सीखना ज़रूरी है कि आगे कैसे किया जा सकता है। यूँ समझ लीजिए फास्टेस्ट डेवलपिंग ब्रांच है आर्थोपेडिक्स की, कि जिसमें लोग इस चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इंडियन आर्थोस्कोपी एसोसिएशन जो आज उसके अंदर मतलब पता नहीं कितने हज़ार लोग इसके मेंबर्स हैं, डॉक्टर तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसका आयोजन होना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तपस्वी है, मैं अभी इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी का करंट प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ लखनऊ में है, डॉक्टर आशीष कुमार जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तरफ से हमारा जो एनुअल मीटिंग रहता है इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी का, जिसे हम ISCON के नाम से जानते हैं, वो ऑर्गेनाइज किया है। ये अगले 3 दिन के लिए चलेगा। यहाँ पर देश और विदेश से काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन आए हैं जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स इंजुरीज में है। तो स्पोर्ट्स इंजुरीज का मतलब घुटना सिर्फ नहीं रहता है, इसमें शोल्डर, हिप, नी, एंकल, काफ़ी सारी चीज़ों में जो नई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में सुनने के लिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पे तकरीबन 600 या 700 लोग आए हैं ऑल ओवर इंडिया और सराउंडिंग जो कंट्रीज़ है जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, जो सार्क कंट्रीज़ है वहाँ पे डेलीगेट्स करके आए हैं।
यहाँ की जो एक खास पहलू बोल सकते हैं ये कि यहाँ पे लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, जो जो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हम कॉमन प्रैक्टिस में करते हैं या जो सर्जिकल प्रोसीजर्स जिन्हें हम सीखना चाहते हैं यहाँ पे लाइव पेशेंट्स पे डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, और ये पेशेंट्स को का जो लाइव सर्जिकल डेमो है वो देखने के बाद तो काफ़ी सारे लोग वापस जब जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है, जिससे वो अपने पेशेंट्स की के बारे में ज़्यादा केयर लेके उनके रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आए हम सब लोग मिलके ये जो एक एकेडमिक जलसा जिससे बोल सकते हैं इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और देश और विदेश के जो मेन लीडर्स है उनको सुनने का एक चांस मिल जाता है। तो एक ही जगह पे 3 दिन में पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पैकेज मिलके जो सारे डेलीगेट्स है वो काफ़ी खुश होके वापस अपने घर जाते हैं। मैं संदीप बिरारिस, सचिव इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी, आज अपने यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो ये आयोजन किया हुआ है आर्थरोस्कोपी एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर आशीष कुमार, ये जो 20वां नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी का हो रहा है और ये बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस है, जहाँ अभी काफ़ी देश विदेश से जाने माने डॉक्टर आए हुए हैं जो डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे, उनको सर्जरीज और नई तकनीकियाँ सिखाएंगे। और डॉक्टर आशीष कुमार और उनकी टीम ने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किए हुए हैं और उनको बहुत अच्छा साथ मिला है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंड ऑल्सो आर्थरोस्कोपी एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का। सो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन आर्थरोस्कोपी सोसाइटी, आई संदीप बिरारिस, आई कंग्रेचुलेट देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर कंडक्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली। Thank you. Hi, my name is Santosh Jacob. I'm an orthopedic surgeon working in Melbourne, Australia. I'm here for the duration of the course, the cadaver lab yesterday and the 3-day conference. So far, it's been absolutely marvelous. The participation, the interaction has been beyond belief and the level of organization has been fantastic. I'm really enjoying myself and coming from the chilly climes of Melbourne to the hot and sultry weather here in Lucknow, I've still managed to keep my spirits up because of the magnificent program that's been organized. Thank you. I'm Professor Danny Lee from Singapore General Hospital, and I'm here in Lucknow at the invitation of Prof. Ashish. This is the Indian Arthroscopy meeting held here in Lucknow. ASCON has grown over the years. It is easily one of the largest meeting nowadays. And what I've seen is that Indian arthroscopy, especially in the shoulder, has grown by leaps and bounds. And here we have more and more surgeons doing great work, and the surgery is very sophisticated. So I'm grateful for this invitation, and congratulations to the organizers of this wonderful ESCON meeting. Thank you so much. Myself, Dr. Prashant Kamra, I'm a consultant hand, wrist, elbow surgeon at KM Hospital, Mumbai. And Sir HN Reliance Hospital, Mumbai. So this is my first time here in Lucknow. ये मैं पहली बार आ रहा हूँ KGMU में, और इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस आर्थरोस्कोपी का मैंने पहली बार अटेंड किया है। ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी ऑल द स्टॉलवर्ट्स जो यू नो आर्थरोस्कोपी के सबसे बड़े जो सर्जन है, इनसे सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और स्पेशली जो अरेंजमेंट्स है, स्पेशली अबाउट द डेलीगेट्स जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जितने भी लाइव सर्जरीज हो रहे हैं, और एक दिन पहले कैडावर वर्कशॉप भी हुआ था। सो एवरीथिंग बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे मैनेज किया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे धन्यवाद कहना है कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर द आर्थरोस्कोपी सोसाइटी, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। I congratulate all the organizing team members, and I wish all the best them in futures. Thank you.